लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए दादा मौसी, नमस्ते। अंदर कौन चीख रही है? छोटे ठाकुर, कुंदन की घरवाली को बच्चा होने वाला है। उसकी औरत दर्द से तड़प रही है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और ये मुआ न जाने कहां मर गया। मेरी बात मानो और फौरन अपने घर चले जाओ। गांव वालों को पता चल गया तो हम दोनों के मुंह पर थूकेंगे। किसकी मजाल है जो कुंदन के मुंह पे थूके? हाँ, कौन है बे? आज साला ये पीटेगा मुझसे। हाँ छोटे ठाकुर, आप तू पीटेगा मुझे? हाँ पीट। नहीं पीट नहीं, गलती हो गई छोटे ठाकुर, गलती हो गई। वहां तेरी घरवाली दर्द से तड़प रही है और तू यहां मुंह काला कर रहा है। माफ करना छोटे ठाकुर, माफ करना छोटे। चल उठ, मुझसे गलती हो गई। मैं सबके सामने कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जा। जी अच्छा। ए, जी इधर आ, ये पैसे ले जा, काट डालूंगा। ए छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, चल चल उतर। क्या है, क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही है? अरे सारा गांव कहता है कि मेरी आवाज कोयल की तरह है, एक तू ही है। हाँ कोयल जैसी है लेकिन शक्ल से। क्या मैं इतनी काली हूँ? ए शहरी बाबू, तू ही बोल, मैं क्या इतनी काली हूँ? ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तू भी थाली का बैंगन निकला। ए ये तेरा मेहमान है, मैं तो चली। कौन हो तुम? मेरा नाम राजकुमार है, लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। और नफरत से? जी जी मैं फैजाबाद से आया हूँ, चंद्रभान जी का बेटा हूँ। अच्छा तो तुम सरला मौसी के बेटे हो? जी। शायद तुम्हारे पिताजी भूल गए कि उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया था। अपने रिश्ते का दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर दिया था, अब दरवाजा खटखटाने के लिए तुम्हें क्यों भेज दिया है? अब आप चाहे जितना भी भला बुरा कहें उन्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ओब। 2 साल पहले पिताजी गुजर गए। मेरी पढ़ाई के लिए माँ इंसान से मशीन बन गई। मैंने डिग्री तो पाली मगर नौकरी ना हासिल कर सका। मरते वक्त माँ ने आपके बारे में बताया, इसलिए 2 वक्त की रोटी पाने के लिए यहाँ चला आया। सल्ला मौसी मेरी माँ की सहेली नहीं बहन से भी ज्यादा थी, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा मैं टाल नहीं सकता। तुम यहां रहकर हमारे खेतों में काम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे, कोई सवाल नहीं करोगे। ये पड़ोस की घर की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। क्यों? काट डालूंगा। कहा ना कि कोई सवाल नहीं करना, बैठ जाओ। आया मालिक। इसका सामान लो और खाना खिला दो। जी मालिक। ओ, खाना खिलाकर डांट पिलाते, पहले ही डांट पिला दिया। हे राम, पड़ोस की घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। आखिर ये पड़ोस के घर में ऐसी क्या बात है भाई? ए, काट डालूंगा। ये आदमी है ये कटिंग मशीन, काट डालूंगा। ये खाना क्या अपने आप चलकर आएगा? हाँ? आ गया। आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं? कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बात दोबारा मत कहना वरना दोनों टांगे टूट जाएंगी। नहीं नहीं, दोनों टांगों के बगैर तो आप बहुत खराब लगेंगी। टांगे मेरी नहीं तुम्हारी टूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं छोटे ठाकुर की बहन हूँ। पार्वती, हे धनिया। जी मालिक। जाकर जीप साफ कर जाओ। चलो। जी।
इस घर में आए तुम्हें 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक गिलास पकड़ना नहीं आया। नीला कॉलेज गई? हाँ? मैंने पूछा बिटिया कॉलेज गई? जी जी चली गई। फेल। अच्छा, अब तू लगा चल। नहीं लगा, नहीं लगा। तुझे तो निशाना लगाना भी नहीं आता। अच्छा, तो तू ही लगा के दिखा। अभी दिखाती हूँ। अरे मर गया रे, अरे मार डाला भाई। क्या बहुत जोर की लगी? जोर की ना लगी होती तो इतनी जोर से चिल्लाता क्यों? तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। मैं भगवान शंकर तो हूँ नहीं जो मेरे सर से गंगा जी निकलेंगी। रहने दीजिए, मेरे पास रुमाल है। रुमाल है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी ओढ़नी नहीं फाड़ती। मुझे क्या मालूम था कि इस गांव की लड़कियां हिंदी फिल्मों की हीरोइनों से कम नहीं, चोट लगते ही ओढ़नी फाड़ लेती हैं। कोई मोटर रिक्शा चलाती है तो कोई गुलेल, कहीं बैंडिट क्वीन और पुतली बाई की तरह घोड़ा या बंदूक तो नहीं चलाती ना। अगर तुम वादा करो कल फिर इसी रास्ते से गुजरोगे तो बंदूक भी चलाकर दिखा दूंगी। हाय, मरना है क्या? दोबारा इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा फूटेगा। भागो। माई बाप घर पर हैं? कौन है तेरा माई बाप? अरे आप सरकार और कौन? आपके आशीर्वाद के बिना तो इस गांव का हर आदमी अनाथ है। ये चिकनी चुपड़ी बातें बगल के घर में जाकर करना, या मतलब की बात करो। सरकार, गांव में धान कूटने की चक्की खोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, बंद करवा दूँ उसे? अरे नहीं नहीं सरकार, गजब हो जाएगा, पूरे 1.5 लाख रुपए लगे। मैंने पूछा कितना खर्चा हुआ? माफ कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि उस चक्की का उद्घाटन आपके शुभ हाथों से हो। भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरा बेटा भी यही कह रहा था कि ठाकुर साहब के हाथों में चमत्कार है, चमत्कार। कैसा है तुम्हारा बेटा, सुधर गया या अभी भी इधर उधर मुंह मारता रहता है? भगवान झूठ ना बुलवाए, वो तो बिल्कुल सुधर गया है। दिन में 3-3 दफा स्नान करके 5-5 दफा रामायण का पाठ करता है। पूरे घर को भगवान का मंदिर बना दिया है। ये चक्की उसी के लिए तो खोल रहा हूँ। चलो, तुम्हारा उद्धार हो गया। उद्धार तो आप करेंगे चक्की का उद्घाटन करके। ला बेटा। प्रणाम माताओं की माता गौ माता, आज मुझे आपका दूध धोने का हुक्म मिला है। मुझे तो दूध धोना आता नहीं है, आप ही मेरी कुछ मदद कर देना प्लीज। जय जय ओ गौ माता, तुम हो बेस्ट गौ माता, बर्तन दूध से भर दो, बर्तन दूध से भर दो। क्या हुआ? गाय ने लात मार दी। जब दूध धोना नहीं आता तो गाय के पास गाय क्यों था? सीता दीदी ने कहा था। जब सीता दीदी ने कहा था और उस्ताद दीदी खाने चले आए, मैंने तुझे खेत में काम करने को कहा था ना जी, गाय क्यों नहीं? वो मैंने सोचा काट डालूंगा। चल, लगता है मेरा राहु काल चल रहा है। पहले सर फूटा, फिर पांव टूटा, अब न जाने क्या क्या टूटने फूटने वाला है भाई। अरे बापरे, वही लड़की अब मुसली लेकर मारने आ रही है। अरे मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे उस आफत से बचाओ। कैसे आफत? पहले पत्थर से मारा, अब मुसली से मारने आ रही है। कौन? वो राजू, छिप जा। ये लो बुआ, आपने मंगाया था ना? हाँ। ये नमूना कौन है? ये हमारी मौसी का बेटा है राजू। नीला, कहाँ से आया? अरे बापरे पिताजी, जल्दी जाओ, बड़े भैया ने देख लिया तो तूफान आ जाएगा। ओके बाय। अच्छा जी पिताजी, जरा अंदर से बंदूक साफ करने का तेल लाना बेटा। जी अभी लाए। Ah!
जी मालिक। उस कमीने के घर से आए इस कचरे को उठाकर उसी कूड़ेदान में फेंक दो। जी अच्छा मालिक।